आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि क्या MBBS की कट ऑफ 2022 में हर एक स्टेट में जा सकती है। इसमें हम हर एक स्टेट कवर करेंगे और इसमें हर एक कैटेगरी भी कवर करेंगे। अगर आप कॉलेज वाइज राउंड वाइज कट ऑफ देखना चाह रहे हैं, कौन से स्टेट में कौन सी कॉलेज की कौन से राउंड में कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है, तो ये मैंने बुक में सारा मेंशन कर रखा है। पिछली बार की कट ऑफ से आप 5 मार्क्स डाउन करके ये देख सकते हैं कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है, कॉलेज वाइज राउंड वाइज कैटेगरी वाइज। ऑल इंडिया कोटा की बुक में ऑल इंडिया की दी हुई है, स्टेट कोटा की बुक में स्टेट की दी हुई है, आयुष और वेटनरी में भी ऐसे ही दी हुई है। इसके साथ में और भी इस बुक में बहुत कुछ आपको मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, सीट मैट्रिक्स मिलेगा, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके बारे में, इसके बाद राउंड वाइज प्रोसेस क्या है अलग अलग स्टेट का, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इस बुक में दे दी है। मैं सोचता हूं जब इतनी मेहनत से ये बुक तैयार की गई है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे पेड सर्विस भी ले सकते हैं, जैसे ही आप बुक डाउनलोड करेंगे जो मोबाइल नंबर देंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो अभी देखते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ, कौन से स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पहले हम दिल्ली स्टेट की बात करते हैं, पहले हम दिल्ली स्टेट को लेते हैं। तो दिल्ली स्टेट में आपको पता है दो प्रकार का कोटा होता है, एक आईपी कोटा होता है और एक डीयू कोटा होता है। तो सबसे पहले आईपी कोटा की देखते हैं जिसमें बीएससी और एनडीएमसी कॉलेज आती है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 630 कट ऑफ जा सकती है आईपी कोटा में, EWS की 6 इसमें 25 जा सकती है, इसके बाद में ओबीसी की 600 जा सकती है, एससी की 505 जा सकती है और एसटी की कैटेगरी 380 जा सकती है आईपी कोटा की दिल्ली की कट ऑफ। ये मैं आपको दिल्ली की कट ऑफ बता रहा हूं आईपी कोटा की। अब बात करें हम डीयू कोटा की, आईपी कोटा के बाद में हम बात करेंगे डीयू कोटा की क्या कट ऑफ जा सकती है। तो डीयू कोटा की जिसमें एमएमसी वीएमएमसी यूसीएमएस आता है 655, काफी हाई कट ऑफ जाती है इसकी 655 जनरल कैटेगरी, 640 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके बाद में 615 ओबीसी कैटेगरी, 545 एसटी कैटेगरी और 400 एसटी और एससी 545। तो ये जा सकती है डीयू कोटा की, दिल्ली डीयू कोटा। आप जानते हैं दिल्ली की सबसे हाई कट ऑफ जाती है। अब बात करें हम दिल्ली में ही आईपी के अंडर एसीएमएस है, एसीएमएस है आर्मी कॉलेज। तो एसीएमएस की जो आर्मी वार्ड्स के लिए कट ऑफ जा सकती है वो 575, आर्मी वार्ड्स के लिए 575 कट ऑफ जा सकती है दिल्ली की। इसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट की, राजस्थान स्टेट में भी काफी हाई कट ऑफ जाती है। आप जानते हैं राजस्थान स्टेट में भी काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो राजस्थान स्टेट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की इस बार जा सकती है 600, जनरल कैटेगरी की 600 कट ऑफ जा सकती है, 595 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, 598 जा सकती है ओबीसी की, 495 जा सकती है एससी की और 460 जा सकती है एसटी कैटेगरी की। तो ये राजस्थान की कट ऑफ जा सकती है। पेमेंट सीट की कट ऑफ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, राजस्थान में जो पेमेंट सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब लेते हैं हम महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र स्टेट में भी काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, यानी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट ही होते हैं नीट में। तो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ। तो महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए इस बार 552 कट ऑफ जा सकती है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 552 कट ऑफ जा सकती है इस बार, इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 550 रह सकती है, 462 एससी कैटेगरी की रह सकती है और 335 एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है इस बार महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, अगर राउंड वाइज कट ऑफ आपने देखनी है तो मेरी बुक से देख सकते हैं, उसमें 5 नंबर कम करके पिछले साल से।
अब महाराष्ट्र के बाद में लेते हैं हम केरला स्टेट, जिसकी कट ऑफ काफी ज्यादा, दिल्ली के बाद केरला स्टेट की ही कट ऑफ जाती है। तो एक बार हम यहाँ केरला स्टेट की कट ऑफ भी देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है केरला की। तो 615 कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की, एससी की कट ऑफ जा सकती है 425 और एसटी की कट ऑफ जा सकती है 335। ये केरला स्टेट की कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करेंगे हम यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट में पिछले साल मेडिकल कॉलेज जो ओपन हुई थी उससे हम सोच रहे थे काफी डाउन कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं लिया, ऑल इंडिया कोटा में बहुत कम एडमिशन लिया, इसलिए उनका सेकेंड राउंड में कट ऑफ ज्यादा चला गया। अब हम यहां बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी में 595, ईडब्ल्यूएस 594, ओबीसी 593, एससी 450 और एसटी 235 कट ऑफ जा सकती है यूपी स्टेट में। अब यूपी के बाद में हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट की कट ऑफ भी काफी ज्यादा जाती है, ये भी कट ऑफ 598 जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, 595 जा सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए और 595 भी जा सकती है ओबीसी के लिए। हरियाणा में दो कैटेगरी ओबीसी की है, इसके बाद में 490 जा सकती है एससी कैटेगरी की। तो ये हो गई बात हरियाणा स्टेट की। अब बात करेंगे हम बिहार स्टेट की। तो बिहार स्टेट की कट ऑफ भी काफी हाई रहती है क्योंकि बिहार में सीटें कम है और कैंडिडेट ज्यादा है। तो बिहार स्टेट की 600 जनरल कैटेगरी की जा सकती है, 595 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, 597 जा सकती है ओबीसी की, 445 जा सकती है एससी की और 425 जा सकती है एसटी की। तो ये बिहार स्टेट की कट ऑफ है। अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में जनरली कट ऑफ कम जाती है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें हम तो जनरल कैटेगरी 565 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की भी 565 रह सकती है, 465 एससी कैटेगरी की रह सकती है और 255 एसटी कैटेगरी की रह सकती है। तो ये वेस्ट बंगाल की है। अब हम बात करेंगे एमपी स्टेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट की। तो एमपी स्टेट की जो कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की 545 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 540 जा सकती है, 542 जा सकती है ओबीसी की और 425 एससी की और 320 एसटी कैटेगरी की जा सकती है एमपी स्टेट के लिए। अब बात करेंगे हम उड़ीसा स्टेट की। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपका स्टेट नहीं, 577 जा सकता है जनरल कैटेगरी में, 575 जा सकता है ईडब्ल्यूएस में, 470 जा सकता है एससी में और 360 जा सकता है एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है उड़ीसा स्टेट की। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट की। तो उत्तराखंड स्टेट में भी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहती है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो 560 कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी, 527 रह सकती है ईडब्ल्यूएस, 540 रह सकती है ओबीसी, 395 रह सकती है एससी, 385 रह सकती है एसटी कैटेगरी। तो ये उत्तराखंड स्टेट की कट ऑफ रह सकती है 22 के लिए। अब हम बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट की। छत्तीसगढ़ स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 545 कट ऑफ रह सकती है, 510 रह सकती है ईडब्ल्यूएस में, 540 ओबीसी में, 460 रह सकती है एससी में और 350 रह सकती है एसटी कैटेगरी में। ये छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए रह सकती है कट ऑफ। अब बात करेंगे पंजाब में। जनरली पंजाब में भी कट ऑफ कम रहती है। तो पंजाब स्टेट की अगर हम बात करें यहां पर, तो पंजाब स्टेट की 565 कट ऑफ रह सकती है, जनरल की 562 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 525 रह सकती है ओबीसी की और 425 रह सकती है एससी कैटेगरी की पंजाब स्टेट की। अब हम बात करेंगे झारखंड स्टेट में। तो झारखंड स्टेट में भी जो सीटें हैं वो कम हैं, हालांकि पिछली बार थोड़ी सी सीटें इंक्रीज हुई थी झारखंड में। तो झारखंड के लिए जनरल कैटेगरी 575 जा सकती है, 572 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की और 335 जा सकती है एसटी कैटेगरी की झारखंड स्टेट के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ गुजरात स्टेट की। गुजरात स्टेट में जनरली यहाँ जो सीटें हैं उनकी भी, गुजरात की भी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है, ज्यादा तो डाउन नहीं जाती है। जनरल कैटेगरी की 565 जा सकती है, 563 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, 535 जा सकती है ओबीसी की, 470 एसटी की और 297 एसटी की, सॉरी 470 एससी कैटेगरी की। अब हम आगे बात करेंगे चंडीगढ़ स्टेट की। तो चंडीगढ़ में जीएमसीएच है, चंडीगढ़ की बात करेंगे हम।
तो चंडीगढ़ में जो कट ऑफ रह सकती है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है चंडीगढ़ में 565 मार्क्स, इसके बाद में 475 कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी की। तो ये सिचुएशन है चंडीगढ़ स्टेट का। अब हम यहां बात करते हैं जेएनके की। तो इस बार हो सकता है जेएनके 15% ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करे, तो ये एपीजी में तो कर रहा है, हो सकता है यूजी में भी इस बार पार्टिसिपेट करे, तो ये 420 कट ऑफ जा सकती है अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो। अगर पार्टिसिपेट करता है तो ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है, 475 रह सकती है ओबीसी की, 400 रह सकती है एससी की, और 315 रह सकती है, सॉरी 55 रह सकती है एसटी कैटेगरी की। तो ये कट ऑफ जेएनके की रह सकती है। अब हम यहां बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट की, आगे बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु में 580 कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की, 535 रह सकती है ओबीसी की तमिलनाडु में, 425 रह सकती है एसटी की, और 315 रह सकती है एसटी की, एससी की 425 रह सकती है। अब बात करें आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश, आंध्रा की बात करेंगे हम, तो आंध्रा में जनरल कैटेगरी की 565 कट ऑफ रह सकती है, और इसमें जो आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सीट से प्राइवेट में उसकी कट ऑफ रह सकती है 525 मार्क्स आंध्र प्रदेश की। अब हम बात करेंगे यहां आगे आसाम स्टेट की, आसाम स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आसाम की बात करें तो 525 जनरल कैटेगरी की रह सकती है, 520 ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, 455 ओबीसी की, 440 एससी की, और 370 कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी की आसाम स्टेट की। अब हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट की। कर्नाटका स्टेट में भी दो प्रकार का कोटा होता है, वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट होती है। हम लास्ट कट ऑफ की बात करेंगे जो प्राइवेट में भी गवर्नमेंट सीटें होती हैं, तो 425 जनरल ईडब्ल्यूएस की 420 रह सकती है, और एसटी की 495 कट ऑफ रह सकती है कर्नाटका स्टेट में। अब हम बात करेंगे आगे त्रिपुरा स्टेट की। तो त्रिपुरा स्टेट में जो कट ऑफ रह सकती है वो इस प्रकार से रह सकती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा स्टेट में कट ऑफ 525 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है, 485 ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, 450 एससी कैटेगरी की, और 345 एसटी कैटेगरी की रह सकती है, एससी की 450 कट ऑफ रह सकती है। अब बात करेंगे आगे हम तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकती है, तेलंगाना स्टेट में जो कट ऑफ रह सकती है 535 कट ऑफ रह सकती है, 515 ओबीसी की रह सकती है, 450 एससी की, और 420 एसटी की कट ऑफ रह सकती है। यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो सीटें हैं उनमें 480 कट ऑफ रह सकती है प्राइवेट कॉलेजेज में तेलंगाना स्टेट में। अब बात करेंगे हम हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की क्या कट ऑफ रह सकती है 22 के लिए। तो हिमाचल की अगर हम बात करें तो जनरली हिमाचल की कट ऑफ डाउन रहती है, 510 रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, 460 ईडब्ल्यूएस के लिए, 505 ओबीसी के लिए रह सकती है, 460 एससी के लिए, और 455 एसटी कैटेगरी के लिए रह सकती है हिमाचल में। अब बात करें हम हिमाचल के अलावा जो स्टेट हैं बाकी, उनकी बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की, वो 490 रह सकती है। इसके बाद में बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की, जो कट ऑफ रह सकती है 485 रह सकती है। इसके बाद में बात करें हम मिजोरम की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 360 कट ऑफ रह सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा में 505 कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। तो ये कट ऑफ है, स्टेट वाइज कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, आप अपने स्टेट की कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद।